ये है एक फॉन्टेक का 31 सीरीज का मदरबोर्ड है, और इसमें प्रॉब्लम कुछ है, मैं दिखाता हूँ। पहले तो नो पावर इशू था, ये जो क्रिस्टल है ये थोड़ा ड्राई सोल्ड हो चुका था, मैंने कर दिया। उसके बाद बोर्ड तो टिगर ले रहा है, पर वीएम सेक्शन में अगर कुछ डालो, मतलब जो 12 वोल्ट इनपुट का सीपीयू कोर वोल्टेज है, जो वो डालने के बाद बोर्ड ऑफ हो रहा है। मतलब कि सीधा मैं बोले तो वीएम सेक्शन में शॉर्ट है, पर वीएम सेक्शन में ये किस टाइप का शॉर्ट है अभी देखो, सिखाता हूँ। ये डाला ATX 24 पिन। अभी ये जो ये फैन रखता हूँ, यहाँ पर एक डिबग कार्ड डालता हूँ, और अभी देखो ये बोर्ड को पावर दिया और ये टिगर दे रहा हूँ। ये देखो बोर्ड चल रहा है, बिंदास बोर्ड चल रहा है, सबको पता है बोर्ड भाई चल रहा है। ये देखो बोर्ड चल रहा है और ये फैन यहीं पे रहे। और अभी मैं जो सीपीयू का इनपुट डालूंगा, 12 वोल्ट का सप्लाई, ये देखो ये बंद हो गया। तो मतलब जाहिर सी बात है कि भाई वीएम सेक्शन में शॉर्ट है, कुछ शॉर्टिंग है, जिसके वजह से ये 12 वोल्ट सप्लाई डालने के बाद बोर्ड ऑफ हो रहा है। तो अभी ऐसा ही जो काम करते हो वही तो ऐसा ही सोचेगा कि हाँ भाई वीएम सेक्शन में ही शॉर्ट है बोर्ड डेफिनेटली, क्योंकि हम जब भी 12 वोल्ट डाल रहे हैं तो बोर्ड ऑफ हो रहा है। तो अभी सीपीयू को हटाएंगे, जो करते हैं लोग बेसिकली इस फील्ड में जो है, सीपीयू को हटाएंगे। अभी मल्टीमीटर लेंगे, सभी के पास है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर लेने के बाद यहाँ पर आएंगे, पहले ये जो सीपीयू का सप्लाई है 12 वोल्ट, इसमें क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले इसमें आएंगे, तो ये देखो क्रॉस चेक कर रहा हूँ, कोई भी बीप नहीं है। ये क्रॉस चेक किया, यहाँ पर भी कोई बीप नहीं है। ये क्रॉस चेक, यहाँ पर भी कोई बीप नहीं है, यहाँ पर भी कोई बीप नहीं है। तो मतलब ये अगर वीएम सेक्शन में अगर शॉर्ट आपका है बोर्ड, तो ठीक है। अगर मॉस्फेट लीकेज है तो यहाँ पर आपका एक बार बीप करेगा, कुछ रीडिंग आएगा, उसके बाद 0L OL हो जाएगा, ठीक है, मतलब ओपन लूप आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो इजीली आप देख सकते हो, और भी पास से दिखाऊँ, ये देखो मल्टीमीटर पे कोई भी रिस्पांस नहीं है, इधर भी नहीं है, और क्रॉस चेक दे तो इधर भी नहीं है। मतलब यहाँ पर कुछ सेंस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ सेंस नहीं कर रहा है, ऐसे लगा था इसलिए पैक किया, तो कुछ सेंस नहीं कर रहा है भाई, लेटेस्ट है ये प्रॉब्लम। और अभी स्टेप बाय स्टेप देखो, ये जो मॉस्फेट है एक भी शॉर्ट नहीं है, ये वाला मॉस्फेट शॉर्ट नहीं है, ये वाला मॉस्फेट शॉर्ट नहीं है, ये भी 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 शॉर्ट नहीं है, एक भी मॉस्फेट शॉर्ट नहीं है। और यहाँ पर भी कुछ भी कंटिन्यूटीज आ नहीं रहा है, मतलब कुछ भी जो रीडिंग आता है कुछ भी नहीं आ रहा है। सीपीयू मैंने हटा दिया है, तो ऐसा ही है। पर भी हम डालने से क्या हो रहा है, जो हमारा बोर्ड ऑफ हो रहा है। तो यहाँ पर जो बड़ा वाला कैपेसिटर होता है, जो SMD बड़ा साइज का, तो ये भी एक बार चेक किया करो, ये शॉर्ट है कि नहीं, देखते। एक भी शॉर्ट नहीं है, एक भी शॉर्ट नहीं है, ये भी शॉर्ट नहीं है, मतलब एक भी कैपेसिटर, देखते। ये भी शॉर्ट नहीं है, ये भी शॉर्ट नहीं है, मतलब कैपेसिटर भी कोई भी शॉर्ट नहीं है। तो क्या है, ऐसे ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे? मतलब सीपीयू का पावर जब डाल रहे हो, बोर्ड ऑफ हो रहा है, मतलब बिना सीपीयू पावर के तो आपका डिबग कार्ड में कोड भी नहीं जनरेट होगा। और सीपीयू जब आप खोल रहे हो तो यहाँ पर कोई भी आप चेक कर रहे हो तो कुछ भी शॉर्ट नहीं मिल रहा है। तो यही है बोर्ड का प्रॉब्लम। तो अभी क्या करेंगे, ये जो प्राइमरी सेक्शन का ये मॉस्फेट है, ये पहले फास्ट वाला मॉस्फेट को हम रिमूव करेंगे, ठीक है। तो फास्ट वाला मॉस्फेट को हम रिमूव करते हैं और देखते हैं क्या है, क्या होता है, ठीक है। तो ये फास्ट वाला मॉस्फेट मैं रिमूव कर लूँगा, देखते हैं। साथ में रह जाओ, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो, और शॉर्ट नहीं मिला अभी भी।
ये कोई ना कोई मॉसफेट जो है वो लीकेज है, ये मॉसफेट तो डायरेक्टली शॉर्ट नहीं है पर लीकेज है, एकदम 100% श्योर मॉसफेट लीकेज है। एक सेकंड, बाहर कुछ ज़्यादा शोर हो रहा है, मैं थोड़ा सा डांट दिया करूँ, एक सेकंड, हो गया, डांट दिया, चुप हो गया, बच्चा है घर पे। तो अभी ये एक मॉसफेट रिमूव किया हमने, तो अभी क्या है, ये फिर से चिल्ला रहा है, एक सेकंड। तो अभी यहाँ पर एक बार क्रॉस चेक करके देखते हैं कोई कंटिन्यूटी आता है कि नहीं, और इसमें भी शॉर्ट नहीं है। ये जो मॉसफेट हमने निकाला, ये पहले थोड़ा सा चेक करके देख लेता हूँ कि ये बाहर में कभी कभार निकालने के बाद प्रॉब्लम शो करता है। तो ये मॉसफेट तो टोटली काम नहीं कर रहा है, ना तो ये तो ना तो गेट पर बीप कर रहा है ना सोर्स पर, कई बार भी बीप नहीं कर रहा है ये मॉसफेट, ठीक है। तो ये मॉसफेट कई बार भी बीप नहीं कर रहा है, इसे करना चाहिए था। और ये तो पी चैनल मॉसफेट भी नहीं है कि उल्टा करने से बीप आएगा, क्योंकि ये इन चैनल मॉसफेट है। ब्लैक प्रॉप को आपको सब ड्रेन पे रखना है और सोर्स पे टिगर देना है, और गेट पे टिगर करने के बाद ये सोर्स पे आएगा आपका कुछ भी कंटिन्यूटी। तो ये कुछ भी नहीं आ रहा है, और यहाँ पर भी कुछ फिक्सेस नहीं हुआ है। तो एक रखते हैं, ये एक मॉसफेट को हटाने के बाद एक बार हम पावर देंगे। देखते हैं क्या होता है, बोर्ड चलता है कि नहीं, थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि ये लीकेज है तो ऐसे तो चेक नहीं कर सकते हम, दो मल्टीमीटर चाहिए उसको, दो मल्टीमीटर से चेक करते हैं। ये लीकेज मॉसफेट चेक करने का एक प्रोसेस है, जिनको पता नहीं है मैं किसी एक वीडियो पे बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि मल्टीमीटर से ये डायरेक्टली आप चेक नहीं कर पाओगे कि मॉसफेट अगर लीकेज है तो। चलो एक बार एक मॉसफेट को निकाला, ये ही है मॉसफेट, और एक बार पावर देके देखते हैं। नहीं, सेम कंडीशन पे है, काम नहीं बना। और ये जो है हमारा VRM सेक्शन में अभी भी शॉर्टिंग है। तो ये देखो बोर्ड बिंदास चल रहा है, अभी मैंने हटा दिया VRM सेक्शन को। और एक चीज़ में मेरा ध्यान गया है अभी भी, ये एक आईसी पे, ये रैम का कंट्रोलर आईसी है, एक सेकेंड, ये तो बहुत रस्ट है, ये आईसी शॉर्ट होने के वजह से भी कभी कभार प्रॉब्लम जनरेट होता है। तो इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं, और देख सकते हो ये आईसी का हालत बहुत ख़राब है। ये देखो कितना ख़राब है, बहुत ख़राब है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर आसपास का एक रजिस्टर भी ख़राब हो चुका है, ये एक गया रजिस्टर, तो ये जो आईसी है इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। VRM सेक्शन में तो डेफिनेटली शॉर्ट है इसका, चलो तो ये हटा दिया। अभी एक बार पावर देके देख लेते, क्योंकि जो है ये आईसी भी बहुत डिस्टर्ब करता है। कहाँ गया डिवाइस कार्ड, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा, हाँ हो गया, ये देखो। तो मतलब हमारा जो प्रॉब्लम जेनरेट हो रहा था ये आईसी से हो रहा था, तो ये आईसी शॉर्ट था, बहुत रश था इसमें। तो मैंने थोड़ा सा क्लीन करने के बाद हमारा जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व आउट हुआ है। पर ये जो मॉसफेट है ये तो कहीं पर भी बीप नहीं कर रहा है, पर ये लीकेज मॉसफेट है, ये भी शॉर्ट था मेरे ख्याल से, ये लीकेज था। तो हम दूसरा एक मॉसफेट लगा देंगे वहाँ पर अभी
ये जो हमने क्लीन किया, ये थोड़ा सा क्लीन करने के साथ साथ ये रेडी हो गया, मतलब बोर्ड में कोड आ गया, मैंने देखा। अभी दिखाता हूँ, ये देखो, एक बजर लगाते हैं, बजर 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 बजर, ये वाला बजर है, ये आ गया डिस्प्ले। तो मतलब बोर्ड रेडी हो गया। तो देखो, छोटा सा एक आईसी का फॉल्ट था, वो डास्ट था, वो रैम का कंट्रोलर आईसी है, वो शॉर्ट होने की वजह से ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिक्कत हो रहा था। और वीएनएम सेक्शन में ये जो एक मॉस्फेट, ये ख़राब है, मतलब शॉर्ट नहीं बता रहा है पर लीकेज है, ठीक है, किसी भी एंगल से ये कंटिन्यूटी आ नहीं रहा है, मतलब गेट टू सोर्स में। तो देखो, अभी फ़िलहाल बोर्ड रेडी हो चुका है, तो अभी क्या करना है मुझे, सिंपल सी यहाँ पर जो ये जो आईसी है, ये पी रैम का एक पीडब्ल्यू कंट्रोलर है, ये शॉर्ट था रस्ट के वजह से, तो इसको अच्छे से शोल्डरिंग आयरन से शोल्डरिंग करके देना है मुझे, नहीं तो ये 2-3 दिन बाद फिर से रस्ट पड़ेगा और फिर से ये बोर्ड में प्रॉब्लम जनरेट होगा। तो ये UP1542S इसका मॉडल नंबर है, ये रैम का कंट्रोलर आईसी है। तो ठीक से देख लो, देखो प्रॉब्लम कहाँ पर मिला था और सॉल्व आउट कहाँ से हुआ। तो बिगिनर जो, मतलब बिगिनर नहीं, जो यूज़र हो, बहुत कमेंट आते हैं उनका। तो देखो भाई, ऐसे तो आप जो कमेंट करते हो, आप टेक्नीशियन नहीं हो पर फिर भी आप इतना कमेंट करते हो मुझे, क्योंकि ये जो ऐसा जो अगर कंडीशन आपका बोर्ड के साथ है, तो मैं कैसे आपको सजेशन दूंगा, और सजेशन दूंगा अभी तो आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो, प्रॉब्लम बोर्ड में कुछ था, पहले तो ऑन नहीं हो रहा था, क्रिस्टल को मैंने सोल्डरिंग किया तो ऑन हुआ, ऑन होने के बाद वीएनएम सेक्शन में इसका शॉर्टिंग था, एक मॉस्फेट निकाला, ये वाला, ये मॉस्फेट भी लीकेज है, तो अभी ये मॉस्फेट यहाँ पर एक लगाना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में। उसके बाद ये जो आईसी था, ये आईसी को क्लीन करने के बाद थिनर से थोड़ा सा मैंने साफ किया, उसके बाद बोर्ड में कोड आया, बोर्ड चला। तो ऐसा ही होता है हमारा काम भाई इस फील्ड में, एक एक के साथ एक जुड़ा हुआ होता है, आप एक करोगे तो देखोगे और एक प्रॉब्लम से जनरेट हो रहा है। बेसिकली ये जो चाइना बोर्ड है, इसके साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि इसका डायग्राम आपको नहीं मिलेगा कहीं पर भी। जो भी करना है आपको दिमाग पे सोच सोच के करना है, स्टेप बाय स्टेप, आपको मेथड थोड़ा सा पता है तो आप सॉल्व आउट कर पाओगे, नहीं तो इधर उधर ब्रिज ब्रुज पे हिट करके ये काम नहीं होता है ऐसा सिचुएशन में, तो देखना पड़ता है। और फिजिकल इंस्पेक्शन करना हर बोर्ड के लिए 100% मैं कहूँगा ज़रूरी है, आप बोथ साइड देख लो एक बार फिर काम पे लगो, ठीक है, क्योंकि पता नहीं कहाँ पर एक ट्रैक कटा हुआ है, रैम सपोर्ट नहीं कर रहा है, इधर उधर आपने सारा बोर्ड का सत्यानाश ऑलरेडी करके लास्ट में देखा कि भाई हाँ एक ट्रैक तो कटा है। तो बोर्ड को पहले देख लो, उसके बाद काम करो। तो देखो, सिंपल सी बात है, ये जो आईसी है ये अभी भी बहुत रस्ट है, इसे मैंने शोल्डरिंग करना है मुझे, तो ये मैं शोल्डरिंग कर दूंगा। तो इसके वजह से जो है हमारा बोर्ड शॉर्ट था, और वीएनएम सेक्शन में एक मॉस्फेट मुझे लीकेज मिला है, वो है मॉस्फेट। तो ये दो प्रॉब्लम जेनरेट था इस बोर्ड में, और एक प्रॉब्लम था ये जो क्रिस्टल था, ये मैंने पीछे से शोल्डरिंग किया, तो इसके वजह से जो बोर्ड पहले टिगर ही नहीं ले रहा था, मतलब ऑन ही नहीं हो रहा था। तो तीन प्रॉब्लम था इस बोर्ड के साथ बेसिकली। तो ये अभी सॉल्व हो गया है, फाइनली रेडी है। और वीडियो अगर अच्छा लगे, और क्या बताऊँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करके जाओ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, और तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद।